ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी ने तेजी से काम किया और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ढंग से किया, प्लानिंग करके किया। और मुझे बराबर है, जब पहले दिन शाम को ही खबर आई, फिर ये खबर आई कि भाई हेलीकॉप्टर ले जाना कठिन है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के का वाइब्रेशन है, उसकी जो हवा है उसी से कहीं तार हिलने लग जाए, ट्रॉली में से लोग कहीं बाहर गिरने लग जाए, तो हेलीकॉप्टर ले जाना के वो भी चिंता का विषय था। रात भर तो उसी की चर्चा चलती रही, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि जिस कोऑर्डिनेशन के साथ आप लोगों ने काम किया, और मैं समझता हूं कि इस तरह की आपदा में समय रिस्पॉन्स टाइम एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। आपकी तेजी ही ऐसे ऑपरेशन की सफलता या विफलता तय करती है। वर्दी पर लोगों की बहुत आस्था होती है। संकट में फंसे लोग जब भी आपको देखते हैं, चाहे एनडीआरएफ का यूनिफॉर्म भी अब परिचित हो गया है, आप लोगों का तो परिचित है ही है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि अब उनकी जान सुरक्षित है। उनमें नई उम्मीद जग जाती है। आपकी उपस्थिति पर ही उम्मीद का, हौसले का काम यानी एक प्रकार से शुरू हो जाता है। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों का ऐसे समय में विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक रहता है। और मुझे इस बात का संतोष है कि आपने अपने प्लानिंग में और ऑपरेशन की प्रक्रिया में इस बात को बहुत प्राथमिकता दी और बहुत अच्छे ढंग से उसको किया। आपकी ट्रेनिंग भी बहुत बेहतरीन है। एक प्रकार से इस फील्ड में पता चल गया कि कितनी बढ़िया ट्रेनिंग आपकी है और आप कितने साहसिक हैं और किस प्रकार से आप अपने आप को खपा देने के लिए तैयार होते हैं।